खेत से वापस लौट रही दो बच्चियों की सड़क किनारे खुदे गड्ढे में डूबकर मौत हो गई। बच्चियों की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। देवा थाने की नई बस्ती टाई कलर निवासी छत्रपाल चौहान की पुत्री मंजू और अंजू अपने खेत गई थी। वहां उनके बाबा खेत में काम कर रहे थे। कुछ देर बाद दोनों बच्चियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर खेत से घर की ओर चली आ रही थी। रास्ते में सड़क के किनारे कुछ दिन पहले बनी सड़क के लिए गहरा गड्ढा खोदा गया था, जिसमें लबालब पानी भरा हुआ था। गड्ढे से अनजान दोनों बच्चियां उसी गड्ढे में गिर गईं। काफी देर तक घर न पहुंचने पर घर वालों ने जब काफी खोजबीन की तो उनका कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने जब गड्ढे में तलाश कराई तो दोनों के शव उसी में डूबे मिले। बच्चियों की मौत से कोहराम मच गया, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। वहीं इस घटना पर बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक SR गौतम ने बताया कि देवा थाना क्षेत्र की नई बस्ती में दो सगी बहनों की गड्ढे में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। बच्चियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब उधर से आए हैं तो बच्चियों को हम पूछने लगे। बहू से बहू बर्तन मांज रही थी और बच्चिया घर में खेल रही थी, पलक भांज के घर में से निकल गई बच्चिया। और उसके बाबा जो खेत में मेड़ बांध रहे थे तो बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा कि बेटा घर चले जाओ, हम मेड़ बांध रहे हैं, इसमें पानी है ज्यादा। अब वो लड़की आई है, कोई नहीं देखा है कि कैसे बच्ची आई है गड्ढे तक। हम जब बियाह घर के आए तो पूछने लगे कि लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है। बहुरिया के बोलने लगे मछली कहाँ पोती है मरी है, तो कहते अम्मा जी अभी घर में खेलत रहे, अब कहीं गई है। और तब से हम खोजे लगे, गाँव को खोजें, अगल बगल खोजें, जब बच्चिया को नहीं पता लगा है तो फिर हम गाँव से आए हैं तो देख रहे कि एक बच्ची को कपार बार लौक रहा, तो हम कूद गए उसी में। हम कूद गए तो हम चिल्लाए कि अरे बाप रे लड़की हमारी। कितनी देर बाद में बच्चिया मिली है आपको? हमको बच्चिया मिली है दो लगभग दो घंटे बाद में। थाना अंतर्गत नई बस्ती में खेत में दो बच्चियां अपने मकान के पास ही खेत खेल रही थी, तो वहां एक 3.5 फीट पानी का गड्ढा था, तो खेलते हुए दोनों बच्चियां उस गड्ढे में चली गई और उन दोनों बच्चियों की जो है डेथ हो गई। एक बच्ची की उम्र 4 साल है और एक की 5 साल है, दोनों सगी बहनें हैं। यशो देवा, उनका पंचायत नंबर भर करके PM की कार्रवाई की जा रही है।